नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी आपको बता देंगे, बिग बॉस 15 के सभी कंटेस्टेंट के लिए ये हफ्ता बहुत ही मायने रखता है। जी हाँ, जो सदस्य इस हफ्ते घर के से बेघर होंगे वह फिनाले वीक में पहुंचने से भी चूक जाएंगे। यही वजह है कि बिग बॉस 15 टिकट टू फिनाले के लिए घर वालों ने अपनी जी जान से मेहनत लगा दी। निशान भट्ट, तेजस्वी प्रकाश, अभिजीत पिचकुले, देवोलीना और रश्मि देसाई के बीच टिकट टू फिनाले जीतने के लिए एक टास्क हुआ, जिसमें ये तीन सदस्य फिनाले वीक के टास्क में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस 15 में फिलहाल राखी सावंत, शमिता शेट्टी, प्रतीक और करण कुंद्रा वीआईपी हैं। इनके फैसले के जरिए ही अगले वीआईपी के नाम पर मुहर लगेगी। ऐसे में तेजस्वी और निशांत के नाम पर इन वीआईपी कंटेस्टेंट की रजामंदी है, लेकिन रश्मि देसाई और देवोलीना को लेकर ये वीआईपी आपस में बटे हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, प्रतीक देवोलीना खुद तो करण कुंद्रा अपनी दोस्त रश्मि को इस दावेदारी के लिए जिताना चाहते हैं। अब देखना यह है कि शमिता शेट्टी और राखी किसे टिकट टू फिनाले वीक के लिए चुनते हैं। बिग बॉस 15 का प्रोमो वीडियो भी सामने आया है, जिससे यह साफ हो गया जाता है कि इस टास्क के लिए देवोलीना और रश्मि आपस में भिड़ने वाले हैं। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रश्मि गुस्से में देवोलीना को थप्पड़ भी मार देती है, जिसके बाद राजीव व अन्य सदस्य दोनों को हटा देते हैं। देवोलीना अपनी दोस्त राखी सावंत से कहती है कि वह देवोलीना को चुने क्योंकि ये आखिरी मौका है, इसके बाद उनका बिग बॉस ट्रॉफी जीतने का सपना टूट जाएगा। तो वहीं रश्मि टिकट टू फिनाले वीक के लिए लड़ती दिख रही है। राखी सावंत अब किसके नाम टिकट टू फिनाले वीक देती है ये